हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ जो नेक्स्ट वीक ओपन होने वाला है, पैरामाउंट डाइट टेक लिमिटेड लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पस, तो आज के दिन मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है किस तरीके से रहेंगे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर, बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है जो भी लिस्ट होते जा रहे हैं। तो वहां पर उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरह की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2014 में। काम की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करके यार्ड बाय रिसाइकलिंग बेस सिंथेटिक फाइबर जो केटर करते हैं B2B सेगमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ इस कंपनी के काम को, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो ये होने वाला कंपनी का काम। आप लोगों ने ये देखे होंगे धागे जिनसे कपड़े वगैरह सिले जाते हैं, जो भी हम पहनते हैं तो इन फाइबर्स वगैरह से वो कपड़े बनाए जाते हैं। स्पेशली जो ये वाले होते हैं जिनसे हमारी कोटी बनती है या फिर हमारे स्वेटर्स वगैरह होते हैं जो घर में बुने जाते हैं, वो होने वाले हैंड नीटिंग यार्ड। कंपनी ऑफर करती है वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिनमें आ जाते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड यार्ड, जैसे कि एक्राइकल, पॉलिस्टर, नाइलॉन, वूल, हैंड नीटिंग एंड एक्रिलिक ब्लेंड यार्ड नोन फॉर देयर क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड लास्टिंग एक्सीलेंट। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है, दोनों की दोनों पंजाब में होने वाली है। और कंपनी डील करती है एक्रेलिक क्लॉथ एज वेल एज अदर प्रोडक्ट जैसे कि ब्लेंडेड यार्ड, नायलॉन, पॉलिएस्टर यार्ड एंड एक्रेलिक यार्ड। काम वाइज बात करते हैं एक अच्छा काम होने वाला है, अच्छा सेगमेंट होने वाला है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले इनका जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है वो डिपेंडेंट होता है एक सिंगल बिजनेस सेगमेंट पे जो होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर एंड यार्ड। और किसी भी तरीके का एडवर्स इंपैक्ट होना इनकी सेल्स पर इस प्रोडक्ट में कंपनी के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आप चेकआउट कर सकते हो 70% का रेवेन्यू इन्हें जनरेट होते हुए देखने को मिला एज ऑफ मार्च 31, 2024 में। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आना या लेबर्स की तरफ से स्ट्राइक्स वगैरह होना या शटडाउन होना, कोई भी दिक्कत आना जिसकी वजह से काम में इफेक्ट पड़ता है, तो उसका हमें कंपनी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। कंपनी डिपेंडेंट होने वाली है उन्हें फ्यू सप्लायर फॉर परचेज ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप चेकआउट कर सकते हैं इनके टॉप 10 सप्लायर से इनको 100% का यहाँ पर रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हुए देखने को मिला है एज ऑफ मार्च 31, 2024 85% के करीब का एज ऑफ 2023। तो वहां पर कोई भी इनका बड़ा सप्लायर इनसे नाराज होता है तो फिर से मैं कंपनी के ऊपर दिक्कत देखने को मिल सकती है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से जो ऑलमोस्ट होने वाला है 78% का एज ऑफ मार्च 31, 2024। ऐसे में किसी बड़े कस्टमर का लॉस होना या उनकी तरफ से सेल्स का माना फिर से कंपनी के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हमें यहाँ पर कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह देखने को मिलने वाली जो आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल रिस्क फैक्टर थे जो हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं, बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 30th ऑफ सितंबर को, क्लोज होगा 3rd ऑफ अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 4th ऑफ अक्टूबर को एंड रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 7th ऑफ अक्टूबर से, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 7th ऑफ अक्टूबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 8th ऑफ अक्टूबर की। फेस वैल्यू रहेगी ₹10 पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं तो 111 से 170 रुपीज पर शेयर का। लोट साइज होने वाला है 1200 शेयर का। टोटल इशू साइज है 28.43 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करें तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNE में 15% का होने वाला है।
लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,400 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,800 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर कुणाल अरोड़ा एंड पालकी अरोड़ा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशोल्डिंग थी ऑलमोस्ट 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी ऑलमोस्ट 65% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर हम सीधा इनके डीआरएक्सपी में चलते हैं और वहां पर स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कंपनी अभी अभी लिमिटेड कंपनी बनी है, पहले ये पार्टनरशिप फर्म होने वाली थी। तो वहां पर हमें पार्टनरशिप का डाटा और उसके बाद हमें लिमिटेड कंपनी का डाटा देखने मिल रहा है। तो अगर हम सबसे पहले टोटल असेट की बात करते हैं तो 2021 में था टोटल असेट 9.41 करोड़ का, 2022 में 14.58 करोड़ का, 2023 में 18.28 करोड़ का एंड 2024 में 55 करोड़ का। 2023 से 2024 में काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल में भी देखते हैं तो अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। सॉरी यहाँ पर ना एक गड़बड़ हो गई थी, तो उस पार्ट को कट करके मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी फाइनेंशियल में मुझे गलती लग गई थी। ये हमारे पास डाटा 3 मंथ का होने वाला है और पहले 9 मंथ का जे वाला डाटा होने वाला है, तो ये 9+3 पूरे ईयर का डाटा हमें देखने को मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर 2021 में था 16.9 करोड़ का, 2022 में 23 करोड़ का, 2023 में 46 करोड़ का, तो 2024 में ऑलमोस्ट 29+23 करोड़ का। यानी कि आप मोटा मोटी मान लो 30+20 50 और 3 53 करोड़ के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें ओवरऑल में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वहां पर 2020 में था 15 लाख का, 2022 में 15 लाख का, 2023 में 3 करोड़ का, 2024 के पहले 9th मंथ में 2.78 करोड़ का एंड 2024 के पहले 9th मंथ में 3.5 करोड़ का। यानी कि आप मोटा मोटी मान लो 3 और 2 5 और 6 पॉइंट कुछ समथिंग करोड़ का होने वाला है, फिर से एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। बट जहां पर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एकदम से डबल होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि वहां पर कुछ पार्ट्स को मैं यहाँ पर कट करने वाला हूँ फाइनेंशियल्स के, तो उस पॉइंट्स को आप प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की, तो वहां पर होने वाली 30 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 30 करोड़ के, टोटल बोरिंग कंपनी के पास 16 करोड़ की होने वाली है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको सेटअप करनी है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेकंड इनको अपनी बोरिंग्स वगैरह की कुछ पेमेंट करनी है, थर्ड इनको एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड परचेज फ्रॉम प्रमोटर, फोर्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी की फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 81 करोड़ की, आरओ 11% का ओके है, आरओसी 16% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.54 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.68% का ओके है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 15% का काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमारे मन में एक डाउट आ जाता है, बी टू बी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और बी टू बी सेगमेंट में ऑब्वियसली वहां पर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा कम हो जाता है, बट यहाँ पर तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन उल्टा काफी ज्यादा बड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, प्री आईपीओ 7.85 की, पोस्ट आईपीओ 5.1 की कम है, पीई प्री आईपीओ 14.91 की, पोस्ट आईपीओ 22.94 की। फंडामेंटली बात करते हैं तो ओके ओके फंडामेंटल हम यहाँ पर कंपनी के बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के जीएमपी की, तो आज के टाइम पर ग्रे मार्केट में हमें कोई भी काम होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, और उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, ये आईपीओ ना ही सस्ता रहे ना ही महंगा रहे, बट फिर भी किस तरीके से रहेंगे सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। हमने सिर्फ यहाँ पर कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।